वेलकम स्टूडेंट इज सब क्लास नाइन्थ। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज राइज ऑफ हिटलर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक फ्रॉम वी कैन से इस टॉपिक जो कुछ ऐसे पर सब टॉपिक्स हैं जो हमने पहले से पढ़े हैं वो है जो हमने देखा कि जो हिटलर है वो क्यों उभरा है। आज हम देखेंगे वो क्या कंडीशंस है जो उसके लिए फ्रूटफुल बने हैं ताकि जो हिटलर है एडॉल्फ हिटलर तो उसने क्या क्या किया है। इससे पहले हम देखेंगे जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज इसमें क्या हुआ है और फिर जो इफेक्ट्स ऑफ वॉर है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसमें क्या हुआ है, कुछ कौन से कंडीशन हुए हैं। जैसे इसमें हुआ है हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ वॉर जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन जो है या तो जो बहुत ही बुरे हो गई है जर्मनी की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी जो हालत है वो बहुत खराब हो गई है। एक तो उसको जो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स का जो भारी बोझ उस पर पड़ा है, वो फिर हमने देखा कि जो अमेरिका ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई है उसको हम एरा डिप्रेशन भी कहते हैं या देवस्पराल भी कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ है ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए जब हम देखते हैं जब हिटलर के लिए ये क्या बने हैं, लग रहा कि जो ये सब चीजें जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है या ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुआ है जो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है सोशल क्राइसिस हुई है या एरा डिप्रेशन जो हुआ है ये सब चीजें दे हैव मेड बैकग्राउंड फॉर द राइज ऑफ हिटलर। इन सब चीजों की बदौलत हिटलर को उभरने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। चलिए इस बात को छोड़कर हम आगे अपने टॉपिक पर जा रहे हैं सीधे। हिटलर की बात हम करेंगे पहले कि जो हिटलर है हिटलर के बारे में थोड़ा हम जानकारी देंगे। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1989 वो 1899 में पैदा हुए ऑस्ट्रेलिया में और जो उसका चाइल्डहुड पीरियड है जो उसने बचपन है वो उसने गरीबी में यानी गुर्बत में गुजारा है। वो क्यों गुजारा, वो उनके कुछ पेरेंट्स की वजह से उसने अपने जो उसका जो बचपन है वो गुर्बत में उसने गुजारा है। लेकिन उस दौरान उसने क्या किया, जब वो चाहता कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं लेकिन हालात ने उसको साथ नहीं दिया, घर वालों ने उसको भी साथ नहीं दिया है। फिर वो गया लेकिन बाद में उसको वहां मौका नहीं मिला। फिर जब वो छोटा था बचपन चाइल्डहुड में ही कि इसके हम देखेंगे कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसमें क्या हुआ कि जो हिटलर है वो फौज के लिए वहां पे फौज में भर्ती जाने के लिए गया लेकिन उसका जो कद है वो बहुत छोटा था, वो वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर क्या बना, वो फिर वो ही बिकेम ए मैसेंजर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही बिकेम ए मैसेंजर एंड देन कॉर्पोरल। मैसेंजर मेन वो दे पता ही होगा और कॉर्पोरल यानी नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर, वो एक अफसर बन गया है। वो इस तरह उसने ही हैव रिसीव्ड ही हैव अर्नड सो मेनी मेडल्स आर ब्रेवरी क्योंकि वो बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है और उसका जो माइंड सेट है वो बहुत शार्प है। इसके वजह से उसने बहुत ऐसे कुछ काम किए होंगे कि उसने क्या कमाया, उसने ही हैव अर्नड मेडल ऑफ ब्रेवरी। उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीत लिया है बहुत सारे। और जब फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जब जर्मनी को शिकस्त खाना पड़ा, ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स जब हुई है फिर वाइमर रिपब्लिक आया है और उसको बहुत गुस्सा चढ़ा कि जर्मनी ने क्यों शिकस्त खाई, फिर जो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स है वो हमारे जो वाइमर रिपब्लिकन्स है उन्होंने क्यों उस चीज को एक्सेप्ट किया है। उस गुस्से की वजह से उसने फौज में जो था वो काम छोड़ दिया, वो फौज से बाहर आके चला गया और
क्या किया फिर 900 जब 1980 में वो जंग खत्म हुआ तो उसने क्या किया फिर जब ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुआ तो उसने फिर 1990 में एक पार्टी का ज्वाइन किया है जिसको हम कहेंगे जर्मन वर्कर्स पार्टी। एक स्मॉल पार्टी चल रही है जर्मनी में जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने उस पार्टी को ज्वाइन किया है फिर आफ्टर सम टाइम हु टुक ओवर इट, उसने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है और ही नेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। कुछ मदद के बाद उसने उस पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया है क्योंकि बहुत शातिर दिमाग का बंदा था, बहुत चालाक था, उसने उस पर अपना कब्जा जमा लिया और उसका नाम भी चेंज किया है, यानी उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया है। किस पार्टी का? जर्मन वर्कर्स पार्टी का। और फिर इन 1923 प्लान टू मार्च बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में उसने ये सोचा कि उसने एक प्लान बनाया कि मैं मार्च करूंगा। उसने मार्च किया, उसने जद्दोजहद की उस पार्टी से मिलकर और बर्लिन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बर्लिन जिसको हॉट ऑफ जर्मन भी कहते हैं, उस जगह पर उसने क्या किया फॉर कैप्चरिंग अ पावर। उसने उस पर क्या वहां पे जाने के लिए कोशिश की है लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हुआ, इस काम में नाकाम हुआ। ही वॉज अरेस्टेड, ही फेल्ड एंड अरेस्ट, वो फेल हो गया और उसको अरेस्ट किया गया है। और कुछ जब अरेस्ट किया इसके फिर कुछ मदद के बाद उसको वहां से छोड़ा गया है क्योंकि उस वक्त को पता है कौन सी हुकूमत चल रही, वाइमर रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक सेटअप की हुकूमत थी। उन्हें उसको क्योंकि वहां पे उन्होंने उसको क्या अरेस्ट किया है। फिर जब उसको अरेस्ट किया गया है फिर उसको रिलीज किया गया, आजाद किया गया है, उसने अपनी जो जद्दोजहद है अपनी जो पार्टी की कोशिश उसको जारी रखा है, जारी रखते रखते क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त जो जर्मनी की हालत है वो बस बहुत खस्ता हो गई थी क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स का जो बोझ उस पर पड़ा था, जो बर्डन उस पर था, फिर जो इफेक्ट ऑफ वार उस पर है या सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन जो उसकी बहुत खराब थी, एयर आउट डिप्रेशन भी जिसको हम कहेंगे। इस दौरान क्या हुआ कि जो एरा डिप्रेशन है वो उसकी उस एरा डिप्रेशन में या जो सोसाइटी इस वक्त डिप्रेशन में गुजर रही थी, इस वक्त जो इस नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का जो ये एक मास मूवमेंट बन गई है, एक मास मूवमेंट बन गई है और लोगों को क्या लग रहा कि होप्स फॉर बेटर फ्यूचर। अब लोग को देख रहे हैं कि अब फ्यूचर अगर है वो सिर्फ इसी पार्टी में, किस पार्टी में है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और ये मैं याद आपको बिलवा दे रहा हूं इस पार्टी का दूसरा नाम उसको नाजी पार्टी भी कहते हैं, जब पहले इस चैप्टर में पढ़ा है नाजी में एज द राइज ऑफ हिटलर, इस पार्टी का नाम फिर नाजी पार्टी रखा गया है। और लोगों को इसमें लग रहा कि यही एक मास, ये मास मूवमेंट मान के लोग में इस, अब लोग इसमें बहुत एडजस्ट होने जा रहे हैं, उसी पार्टी के साथ वापस हो गए हैं और ये उनको लग रहा कि अब जो जर्मनी का जो फ्यूचर वो उसी में, क्योंकि उनको लग रहा, उनको पहले से लगा था कि जो वहां पे डेमोक्रेट सेटअप है, जो पहले हुकूमत चल रही थी, प्रेवलिंग जो प्रेजेंट सिचुएशन वहां पे है, वो प्रेजेंट हुकूमत जो चले वो बिल्कुल फेल हो गई है। और फिर क्या हुआ जब ये चीज इकोनॉमिक डिप्रेशन वहां पे थी, मास मूवमेंट बन गई, यानी जो उसकी पार्टी है वो मास में इसमें लोग ज्यादा ज्यादा आने लगे हैं और लोगों को इसमें अपना खूब नजर आ, अपना सब कुछ इसमें नजर आ रहा है, वो कहते हैं यही फ्यूचर हमारा बनेंगे। और फिर 1928 में जब इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में सिर्फ इस पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट पार्लियामेंट मिले हैं, सिर्फ यानी 2.6 के हिसाब से वोट्स मिले हैं, यानी इस वक्त उसका, अब जब इलेक्शन आया तो इसमें ज्यादा उसके अहमियत नहीं लग रही है लोगों को। फिर क्या हुआ 1932 में जब फिर इलेक्शन हुआ इस वक्त 37% वोट उसको मिले, किसको, जो इस नाजी पार्टी को, इसको 37% वोट्स मिले हैं एंड बिकेम लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट जर्मन। और जर्मन जो पार्लियामेंट है वो वहां की बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, कौन, नाजी पार्टी। जब नाजी पार्टी बन गई, एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, फिर क्या हुआ
उसको मौका मिला हुकूमत में आने का, यानी उस तरह उसने जर्मन पार्लियामेंट पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। इस तरह। और फिर क्या, जब हम ये एक लीडर, अब एक बहुत बड़ा लीडर बन गया है, इसकी एक खास क्वालिटी है, ही वाज हिटलर वाज पावरफुल स्पीकर, इसको हम ब्रेन वॉशर भी कहते हैं। जब वो कोई स्पीच कर, उसके स्पीच में बहुत जोश और जुनून लग रहा है, वो पावरफुल स्पीकर है, वो लोगों को अपने बात समझाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, इसको क्या कह रहे थे, ब्रेन वॉशर। उसने लोगों को ब्रेन वॉश किया है, अपनी बात अच्छी तरह समझाया है, और लोगों को क्या पता है कि ही प्रोमिस पीपल स्ट्रॉन्ग नेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिग्निटी ऑफ नेशन। उसने लोगों के साथ बहुत सारे किस्म के वादे किए, जैसे हमारे यहाँ लीडर्स आते हैं, बहुत सारे किस्म के वादे किए हैं कि हम मुल्क को तरक्की, मुल्क में तरक्की करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार देंगे, जो लोगों का इज्जत है वो बहाल करेंगे। इस तरह उसने कहा कि उसने लोगों का कि जो यहाँ पे जंग की जो खराबी हुई है, जो ट्रीट ऑफ वर्सलाइज हुए, इसमें जो हमारे बहस हुए, उस चीज को हम वापस लाएंगे, हम अपने जो हमने जो डिग्निटी खोई है हम उस चीज को वापस लाएंगे, और जो यहाँ फॉरेनर्स आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, जो हम पर हुकूमत कहे जाए, फ्रांस है, पोलैंड वगैरह, इंग्लैंड वगैरह है, यूएसए, उन्होंने हम पर जो जुल्म किया है, उस जुल्म से मैं आपको छुटकारा दूंगा, उनको मैं वापस भगा दूंगा, और मैं यहाँ की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, और सिक्योर फ्यूचर ऑफ यूथ, और जो यहाँ के यूथ है उनके लिए मैं अच्छे काम करूँ, ताकि उनका जो फ्यूचर, वो क्या मुस्तकबल जो उनका है वो तापनाक हो जाए, तो अच्छा बन जाए। इसके लिए मैं नए नए स्टेप रहूंगे ना, उसने लोगों को बहुत सारे किस्म के वादे दिए हैं, क्या कि मैं अपने मुल्क को डेवलप, किस तरह अपने मुल्क में डेवलपमेंट कर सकता हूँ, इसके लिए क्या किस तरह। तो फिर जब ये हुआ, जब ये उस लोगों ने उसने प्रॉमिस दिया, तो उसने क्या किया, डिवाइडेड न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नए अंदाज की पॉलिटिक्स शुरू की है। इस तरह जो पहले की वहां डेमोक्रेसी सेटअप है, उसके उससे हटकर उसने एक अपनी जो पार्टी बनाई है, उसका मंशूर कुछ और है, उसने लोगों के साथ बहुत सारे किस्म के वादे किए हैं। इसके लिए उस वादे को पूरा करने उसने क्या किया, अपनी पार्टी को और फैलाने के लिए और बड़ी बनाने के, उसने क्या किया, मास रैलीज, मीटिंग्स, मोबिलाइजेशन, उसने मीटिंग्स की है, उसने मास मोबाइल यानी बड़े बड़े रैलियां निकाली है, लोगों के साथ मिले हैं, लोगों के साथ मीटिंगें की हैं, ताकि लोग उसकी तरफ ज्यादा आए, उस पार्टी में ज्यादा, अब लोगों को भी लगा कि अब जो, क्योंकि अब लोग जो पहले वहां हुकूमत थी, उस हुकूमत के लोगों को पहले से ही क्या नफरत हुई है, तो इसलिए अब उस पार्टी की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें ही अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। जब उसने ये किया, मीटिंग्स किए हैं, लोगों के साथ मिले हैं, बहुत सारे किस्म के रैलीज चलाए गए हैं, तो उसकी जो जो नेटवर्क है पार्टी का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो नाजी पार्टी के जो प्रोपेगेटर्स है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, जो उसके वर्कर्स है, वो लोगों को के, वो स्किलफुली टैक्टफुली, उनमें एक टैक्ट है, क्योंकि वो भी स्पीकर्स हैं, वो भी अच्छे अच्छे उनसे मेटर से मिलकर उनको भी बात समझाने का एक बहुत बड़ा ढंग है। उन्होंने लोगों को कहा कि हिटलर इज, इट वॉज ए मसिया, उस लोगों का ये मसिया है, सेवियर, ये मसिया बनकर आया है, ये हमारे जो यहाँ पे नुकसान हुए हैं, जो हमारे बदहाली हुई है, उसे निकालने के लिए अगर यहाँ पे कोई काम करे, वो सिर्फ कौन करे, हिटलर ही करे। उन्होंने लोगों को भी अपनी तरफ रागी करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि ये उनका प्रोपेगेंडा है, किस पार्टी का, नाजी पार्टी का। जब ये चीज, जब इस पर ये कामयाब हुए, उसने 37% वोट्स भी लिए हैं, अब लोगों के साथ मिले हैं, लोग उसके तरफ ज्यादा आने लगे हैं, लोगों को इसके पार्टी में फ्यूचर नजर आने लगे हैं, तो फिर क्या हुआ, जब इस पर वो बहुत हद तक कामयाब हुआ, तो क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, फिर उसने सेटअप, फिर क्या हुआ, इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का स्टेप उसने लिया, किसने, हिटलर ने, डिस्ट्रक्शन डेमोक्रेसी, उसने कहा कि अब डेमोक्रेसी जहां पे जो पहले से ही डेमोक्रेसी के खिलाफ है, उसने, क्योंकि वो पता है कि उस डेमोक्रेसी हासिल होने वाला कुछ नहीं है, उसने कहा कि हम, उसने अब सेटअप उठाया कि मैं कैसे उसको यहां हटा दूं, किसको, कैसे हम खत्म कर सकते हैं।
इसके बाद 30 जनवरी 1933 बिकेम चांसलर। इस वक्त का जो प्रेसिडेंट वहां पे था जर्मनी का, उसका नाम था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग इस वक्त का जो प्रेसिडेंट पार्टनर उस जर्मनी का था, उसने हिटलर को चांसलर बनाया है। हिटलर को इस वक्त क्या बनाया है, चांसलर बनाया, किसका, जर्मनी का। तो जब वो चांसलर बना तो उसने क्या किया, फिर क्या हुआ इस चांसलर बनने के बाद, जब हिटलर चांस हुआ तो उसका मौका, उसको मौका मिला है कि अब मैं डेमोक्रेसी को किस तरह खत्म कर सकूं, क्योंकि अब चांसलर बना, उसके उसके पास पावर आया है। तो उसने क्या किया, फिर 28 फरवरी 1933 माइटीरियस फायर ब्रोकन आउट इन पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ जर्मनी। अचानक एक अजीब गरीब तरीके से जो जर्मनी का पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें आग, उसको आग लग गया है। कब लग गया, 28 फरवरी 1933 में जर्मनी की जो पार्टी, जो पार्लियामेंट है उसमें आग लगा है अचानक। वो किसने दिया, आपको पता ही किसने दिया होगा, कैसे लगा है, क्योंकि उसका जो मकसद ही है कि मैं किस तरह यहाँ का जो पार्लियामेंट सिस्टम है, यहाँ का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, कैसे मैं खत्म कर सकूं। तो जब ये हुआ, तो जब ये चीज हुई, पार्लियामेंट खत्म हो गई, सब कुछ जल गया है, सब कुछ राख में तब्दील हो गया है, तो क्या हुआ, इट रिजल्ट सस्पेंडेड सिविक राइट्स, और फिर मुल्क में क्या हुई, सिविक राइट्स को सस्पेंड किया गया है, एमरजेंसी नाफिज हुए, जो हमने पहले से ही पढ़ा है आर्टिकल 48 में, जब वहां की हालत बहुत खराब हो गई, तो उस वक्त जब 48 आर्टिकल जो नाफिज, इमरजेंसी हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट में क्या होता है, सिविक राइट्स को बिल्कुल छीना जाता है, लोगों के पास तो कुछ नहीं रह गया है, जो लोगों के बेसिक राइट्स है, जो उनका राइट्स है, वो उनसे दस्तबरदार हो जाते हैं। इस तरह जब ये आग लगा तो उसने क्या किया कि वहां पर सस्पेंडेड ऑफ सिविक राइट्स, अब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब उनकी जमान पे ताला लग गया है। जब सिविक राइट्स होते हैं तो क्या होता है, जब सस्पेंडेड सिविक राइट्स होते, सिविक राइट्स, इसका नतीजा क्या हुआ, बैनड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी लोगों का राइट है उसे छीना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने की आजादी है उस पर कदगन लगा। मास मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया है उस पर पूरी तरह से क्या, बैन लगी है। अब वो अगर उसको, उनको कोई भी खबर देनी है, कुछ बोलना है, वो तभी बोल सकते हैं जब वो किस पार्टी से इजाजत लेंगे, नाजी पार्टी को, हिटलर से सब कुछ जान लेना पड़ा। जिस चाहे पेपर है, मास मीडिया, जो कुछ मीडिया है उस पर पूरी तरह से बैन लगी है, और जो यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है और कुछ है, सब कुछ बैन लगी, अब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब इस पर उसने सब पे अपना कब्जा जमा लिया है, लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, मास मीडिया है, जो पहले हमने देखा कि जो प्रिंट मीडिया, मास मीडिया है, वो उन्होंने देखा कि उन्होंने कैसी, जो आर्मी, जो वहां पे जो लोग फौज में जा रहे थे, उस वक्त वो किस तरह फौज की तारीफ कर रहे हैं, जाए कि फौज की लाइफ उस वक्त बहुत मिजरेबल थी। इसके बाद टारगेटेड कम्युनिस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स, इसके मतलब दोस्त, पहले सेटअप उसने ये किया कि सेग्रेड सस्पेंड किया है, और दूसरा सेटअप उसने लिया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मास प्रिंट, उस पर बैन लगा दी गई है, और इसके बाद उसने वो, उसका तीसरा टारगेट था कम्युनिस्ट, यानी कम्युनिस्ट जो हुकूमत चला रहे थे, जो वाइमर रिपब्लिक के लोग थे, जो डेमोक्रेसी के चाहने वाले थे, उनको उनको अरेस्ट किया गया है और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया है, या कंसंट्रेशन जैसे यहां जेल में भेजते हैं, और वहां पर उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। तुम तुल कूद जेलस में। 3 मार्च 1933 एक्ट पास है, और इसके बाद उसने क्या किया कि 3 मार्च 1933 में एक अनेबल एक्ट पास हुआ है, जिस एक्ट के, उस एक्ट में क्या हुआ है, डिक्टेटरशिप। अब क्या खत्म हो गई वहां पे,
डेमोक्रेसी को खत्म करके वहां पे उस पर डेमोक्रेसी रिप्लेस विद डिक्टेटरशिप। अब डेमोक्रेसी के बजाय वहां डिक्टेटरशिप का ऐलान हुआ। ये एक्ट का पास एनेबल एक्ट हम कहेंगे उसको 3 मार्च, ठीक है। कितना पास्ट, कितने तेजी से ही एक यहाँ पे जो डेमोक्रेसी सेटअप उसको चेंज कर रहा है, क्या सेटअप उसमें जा रहे। और जब ये डिक्टेटरशिप हुई है इसके बाद क्यों, ऑल पार्टीज बैनड एक्सेप्ट नाजी पार्टी। जो भी वहां पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी वहां ट्रेड यूनियंस है, जो भी वहां किस्म के एम्प्लॉय जो यूनियन होती है या और कोई किसी पार्टी यूनियन होती है, उन सब चीजों पर बैन लग गई है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है नाजी पार्टी के छोड़कर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सब पर बैन लगी है। किसने लगा है, जब डिक्टेटरशिप वहां पर, जब हिटलर एक डिक्टेटर बन गया। और जब ये हुई फिर क्या हुआ, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और इकोनॉमी उसके हाथ में आ गई है, मीडिया जो पहले से निपड़ा है, आर्मी एंड जुडिशरी, यानी उन सब चीजों पर किसका कंट्रोल, अब हिटलर का कंट्रोल रहा है, नाजी पार्टी का कंट्रोल रहा है। तो जुडिशरी, इकोनॉमी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो भी नहीं रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले से ही सस्पेंडेड है, मीडिया जो हमने पहले से ही पढ़ा है कि प्रिंटेड मीडिया मास में सब पे बैन लगी है, आर्मी, अब आर्मी उसके अंडर रहेगी, जो आर्मी कह सकते हैं वही कर सकते हैं, एंड जुडिशरी और जो अदालत का मामला जो हम उसको हम कह रहे हैं फ्रीडम, उसमें फ्रीडम होती है लेकिन ये भी उसी के अंडर रही है। इसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस वार क्रिएटेड टू कंट्रोल इन वेज दैट नाजी वांटेड। जैसे कि हमें पता है कि जो भी मुल्क है उसमें फौज होता है, हर किस्म का फौज होता है, आर्मी पुलिस वगैरह, जिस तरह के फौज जरूरत है उस तरह का फौज होता है। लेकिन जब हिटलर आया है उसने आर्म फोर्सेस को छोड़कर एक नया फौज बनाया है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज जिनको कहते हैं, इसलिए टू क्रिएट कंट्रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइन ऑर्डर। जो भी वहां बात करे, जो भी वहां हुकूमत के खिलाफ कुछ कहे, उनका काम है उनको गिरफ्तार करना है और कॉन्स्टिट्यूशन का भेज देना है, वहां उनके साथ क्या बुरा सलूक करना है, उनको मार देना है। तो उनको सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत है जो सिर्फ किसकी पासदारी करे, नाजी पार्टी का, किसकी, नाजी पार्टी का। तो इस तरह हम यहां पे देखते हैं कि जो भी जिस बंदे ने उस डिक्टेटरशिप के हिटलर के जो कुछ कहा है उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया है, पहले उसको कम्युनिस्ट को भेज दिया है, फिर जो भी बचा है, जो भी लोग हैं, जो भी डेमोक्रेसी के चाहने वाले हैं, उन सब लोगों को कहां भेज दिया है, कंसंट्रेशन कैंप में, ताकि उनके साथ वहां पे बहुत बुरा सलूक है, उनको वहां ही मार दिया गया है। वो सिर्फ चाहता है कि देयर मस्ट बी अ प्रोपगेशन ऑफ नाजी पार्टी। इसके बाद हम कल पढ़ने जा रहे हैं रिस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर डिक्टेटरशिप। अब हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी हुई, अगर मौका मिला तो हम देखेंगे कि इसके बाद जब ये सेटअप उसने लिए हैं, जब हिटलर आया है, जब उसने डिस्ट्रक्शन डेमोक्रेसी किया है, जब वो डिक्टेटरशिप बन गया है, जब तानाशाही के निज़ाम आया, तो इसके बाद उसने क्या क्या सेटअप रहे हैं, उसने रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जर्मनी का एज बहाल करने के लिए जो उसने लोगों को वादे दिए हैं वो उसने किस तरह उनको बहाल किया, क्या क्या सेटअप उसने लिए हैं। थैंक्स।